हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में कि आप स्ट्रिंग फंक्शन का कैसे यूज करेंगे। स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, उनका अपन यूज करने वाले हैं। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि स्ट्रिंग इटरेशन क्या होता है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। ये अपना पाइथन का बेसिक टू एडवांस कोर्स रहने वाला है, इसमें अपन सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है स्ट्रिंग फंक्शंस। तो आपको मैं कुछ फंक्शंस बता देता हूँ कि ये फंक्शंस से जिनका अपन यूज करेंगे आज, पूरे फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि अपर फंक्शन क्या यूज कैसे यूज करेंगे और क्या इसका क्या काम में आता है ये, ठीक है। उसके बाद लोअर फंक्शन, टाइटल फंक्शन, कैपिटलाइज्ड फंक्शंस, रिप्लेस फंक्शन, और उसके बाद फाइंड, फिर इंडेक्स, इज अल्फा, इज डिजिट और इज नम, ऐसे सारे फंक्शंस का अपन यूज करेंगे प्रैक्टिकली। तो चलते हैं अपन पाइथन आइडियली में और इनका मैं यूज करके बताता हूँ कि इनसे होता क्या है और आप कैसे अपने प्रोग्राम में इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं पाइथन आइडियली खोल लेता हूँ। तो ये मैंने पाइथन आइडियली खोल लिया है, उसके बाद मैं फाइल खोल लेता हूँ। सिंपली अपन ने पिछले जो काम किया था वही फाइल है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि अब फाइल में अपन को क्या करना है, ये स्ट्रिंग तो अपन को एज इट इज रख लेनी है, जिससे अपन क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग डब्ल्यू इक्वल टू वेलकम टू टेक निर्वाह स्ट्रिंग ही रख लेते हैं अपन, और इसी में सारे फंक्शंस का अपन क्या करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे, जिसकी मदद से आपको मैं करके बताऊंगा क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले अपन कौन सा फंक्शन था, अपना फंक्शन था अपर फंक्शन का अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पे लिखेंगे अपन एक वेरिएबल बना लेंगे टी इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आपको सिंपली वेरिएबल का नाम दे देना है, उसके बाद डॉट देना है, उसके बाद आपको लिखना है जो भी आप फंक्शन का यूज कर रहे हैं, अपर ब्रैकेट आपको कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली प्रिंट करा लेना है, क्या सिंपली आपको प्रिंट करा लेना है यहाँ पे जो आपने वेरिएबल बनाया है टी, और उसको आपको प्रिंट करा के आप कंट्रोल एस से फाइल को सेव करेंगे और जैसे ही आप रन करेंगे तो आपके सामने एक सिंपली आउटपुट आ जाएगा। अब इसमें अपर का मतलब क्या हुआ, अपर क्या काम करता है, अपर ने किया कि जितने भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर थे उनको सबको उसने क्या किया, अपर केस में कर दिया। अब इसी तरीके से एक लोअर होता है जिसकी जिसका अपन यूज करेंगे, तो मैं इसी यहां पे यूज कर लेता हूं अपर को हटा के, यहां पे अपन क्या करेंगे लोअर लिखेंगे, ठीक है। लोअर फंक्शन भी इसी तरीके से यूज होता है, कंट्रोल एस से फाइल को सेव करके, और सिंपली आप जैसे ही रन करेंगे तो आपके सामने स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर है, देखो स्ट्रिंग में डब्ल्यू जो स्टार्टिंग डब्ल्यू है वो आपके सामने क्या है कैपिटल है, जबकि इसने क्या कर दिया यहाँ पे स्ट्रिंग के जितने भी वेरिएबल थे उनको क्या कर दिया इसने स्मॉल कर दिया, यानी लोअर केस में लिया है। अब उसके बाद एक और फंक्शन होता है स्ट्रिंग के अंदर, जो कि मैंने आपको वहां पे दिखाया भी था, मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे अपन ने अपर देख लिया, लोअर देख लिया, इसके बाद अपन टाइटल और कैपिटलाइज फंक्शन देखेंगे। तो अब मैं सॉरी आइडियली खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल खोल लेता हूँ। अब इसमें अपन क्या करेंगे, टाइटल फंक्शन, टाइटल फंक्शन का अपन यूज इसलिए करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैं टाइटल लिख देता हूँ। टाइटल फंक्शन का अपन यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अपन को क्या करना होता है, जब आपको स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपका एक वर्ड है, जैसे वेलकम एक वर्ड है, इसका पहला कैपिटल कैपिटल रखना है, फिर टू का जो टी है उसको कैपिटल करना है, और फिर ये जो टैग निर्वाह इसका टी कैपिटल करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, टाइटल फंक्शन का यूज करते हैं, जो भी आपके पैराग्राफ में जितने भी यानी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर है उनका जो फर्स्ट लेटर है, यानी जितने वर्ड है उनका फर्स्ट लेटर को ये क्या करेगा कैपिटल कर देगा। तो मैं फाइल को सेव करता हूं और सिंपली यहां से रन कर लेता हूं, ठीक है। तो आपके सामने आ गया सबके जो फर्स्ट लेटर थे, जितने वर्ड है उनके फर्स्ट लेटर क्या हो गए कैपिटल हो गए। और उसके बाद एक नेक्स्ट फंक्शन है कैपिटलाइज फंक्शन, तो मैं उसका भी यूज करके आपको बता देता हूं कि वो कैसे होता है। और फाइल को आप क्या करेंगे कंट्रोल एस से सेव करेंगे और सिंपली यहां पे क्या करेंगे रन करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि कैपिटलाइज का मतलब है कि जो स्ट्रिंग में पहला वर्ड है उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, स्टार्टिंग जो कैरेक्टर है वो आपके सामने कैपिटल हो जाएगा, और जितने भी कैरेक्टर है वो सारे स्मॉल केस में आ जाएंगे, स्मॉलर केस में आएंगे जबकि ये कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अपना नेक्स्ट फंक्शन क्या है वो चलते हैं अपन, मैं आपको बताता हूँ कौन सा फंक्शन है। उसके बाद आपका सिंपली फंक्शन है रिप्लेस फंक्शन और फाइंड फंक्शन, अपन ये दो फंक्शन देखते हैं फिर उसके बाद आगे की चीज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपन यहाँ पे आइडियली में और यहाँ पे फाइल में। अब इसके लिए अपन को क्या करने पर करेगा, रिप्लेस फंक्शन का कैसे यूज करेंगे अपन। तो सिंपली रिप्लेस फंक्शन में क्या करना है अपन को कि मैं ये जो इसका अलग तरीके से यूज होता है इनकी तरह से यूज नहीं होगा इनका, तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे अपन, ये प्रिंट के अंदर ही सारा काम करेंगे। अब प्रिंट के अंदर अपन को क्या करना है कि जो भी अपन को चेंजेस करने वो सारी चीजें मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। अब क्या लिखना है, तो आपको सिंपली लिखना है डब्ल्यू डॉट रिप्लेस,
यानी कि लिखा तो उसी तरीके जाएगा, मैं वैसे भी लिख सकता था इसको, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन में लिख देता हूँ, जिससे अपन क्या करेंगे सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आपको फंक्शन बना लेना है, ये फंक्शन बना लिया हूं मैं, ठीक है। अब इसके बीच में क्या करना है, जिसको आपको चेंज करना है यानी रिप्लेस करना है वो देना है, और जिसके लिए रिप्लेस करना है यानी कि जिसको चेंज करना है वो देना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जैसे मेरे को यहाँ पे रिप्लेस करना है, सपोज मेरे को करना है, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग है तो आपको स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। सपोज मेरे को ओ को, यानी कि स्ट्रिंग में जो ये ओ है इसको आपको चेंज करके क्या दे दे, स्टार दे दे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जिसको चेंज करना है वो लिखना है स्ट्रिंग के अंदर, फिर कोमा देके आपको स्ट्रिंग के अंदर जिसमें चेंज करना है, यानी मैंने स्टार में चेंज करना है इसको, और एज इट इज इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा मैं फाइल को। और सिंपली आप जैसे ही रन करेंगे इस फाइल को, तो आपके सामने आउट, सॉरी यहाँ पे आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि आपके सामने मैंने ए छोड़ दिया था मैं यहाँ पे, तो ए में लिख देता हूँ, रिप्लेस की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो जैसे आप रन करेंगे तो आपके सामने स्टार आ गया, देखो जहां जहां पे ओ था वहां पे आपके सामने स्टार बन गया है, ठीक है। तो ये था आपका रिप्लेस फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है अपना, फाइंड फंक्शन, ठीक है। तो फाइंड फंक्शन का कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी में ही। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको हटा देंगे, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फाइंड को हटा, यहाँ पे रिप्लेस को हटा दूंगा सॉरी, और फाइंड पे यहाँ पे आप लिख के, अब यहाँ पे आपको सिंपली वैसे ही लिखना है ब्रैकेट, और आप फाइंड फंक्शन लिख लिया। आपको क्या फाइंड करना है, जैसे सपोज मेरे को ई फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे ई के लिए कोलन दूंगा, यानी कि यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा का यूज करूंगा, ई लिख दूंगा, ई पास करके और सेव करके फाइल को। जैसे ही आप रन करेंगे तो आपके सामने स्ट्रिंग के फंक्शन का आउटपुट आ जाएगा, जो कि मेरे सामने नीचे आ गया है, ये देखो वन, यानी कि किस पोजीशन पे है। तो इसकी पोजीशन देखो, यहाँ पे W हो गया जीरो, और वन आपके सामने क्या हो गया, ये जो पहला, जो भी आपके सामने पहला ई आएगा, यानी कि स्ट्रिंग में अगर मल्टीपल ई है, यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर है सेम, जैसे ई मैंने किया तो ई यहाँ पे, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, यानी दो तीन ई है स्ट्रिंग के अंदर, तो ये पहले जो भी ई होगा उसकी इंडेक्सिंग करके बता देगा। अगर आपको सेकंड इंडेक्सिंग यानी कि सेकंड ई की निकालनी है, तो आपको यहाँ पे सिंपली कोमा दे देना है, और यहाँ पे आप टू लिख देंगे, और सेव करके और इसको सिंपली रन कर देंगे। जैसे आप रन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सिंपली आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे मेरे सामने आ गया सिक्स, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने सिक्स आउटपुट आ जाएगा, ये देखो नीचे सिक्स आउटपुट आ गया है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, आपके सामने फंक्शन हो गया, ठीक है, इंडेक्सिंग फाइंड फंक्शन, ठीक है। यहां तक अपन ने फंक्शन कर लिए, अब नेक्स्ट अपन फंक्शन करते हैं जो कि डिफरेंट है, तो इसका इज अल्फा फंक्शन का यूज करना बताऊंगा मैं। तो सिंपली आपको क्या लिख, एक स्ट्रिंग बना लेनी है, जैसे मैं बनाया डब्ल्यू इक्वल टू वेलकम करके एक, या टेक निर्वा करके मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, टेक निर्वा, और आपको सिंपली क्या कर लेना है यहां पे। अब अपन को क्या करना है, इसमें इज अल्फा का यूज करना है, तो सिंपली क्या करेंगे यहां पे, प्रिंट का यूज कर लेंगे, तो और वेरिएबल का नाम देंगे w डॉट इज अल्फा, और यहां पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, और उसके बाद ये इसको बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप जैसे सेव करेंगे, तो इज अल्फा का सिंपली मतलब क्या होता है, इज अल्फा क्या काम आता है, तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपके सामने आउटपुट आएगा इज ट्रू, तो इज अल्फा का मतलब है कि जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें सारे ही अल्फाबेट है या नहीं है। इज अल्फा का यूज अपन इसलिए करते हैं कि वो चेक करता है कि उसमें सारे अल्फाबेट है या नहीं। इसी तरीके से क्या लगे, इज डिजिट, डिजिट ज्यादा अच्छा रहता है, डिजिट का अपन ज्यादातर यूज करते हैं, तो मैं डिजिट का करके दिखा देता हूं आपको, सॉरी यहां पर डिजिट। और जैसे आप सेव करेंगे फाइल को, और सिंपली जैसे आप रन करेंगे, तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा ट्रू, क्योंकि ये जितने भी स्ट्रिंग में वेरिएबल कैरेक्टर से, यानी कि जो भी लिखा हुआ है स्ट्रिंग में, वो सारे क्या है, नंबर से। अब इसी तरीके से सपोज आपको दोनों चीज रखनी है, नंबर और कैरेक्टर, तो मैं इसमें क्या करूंगा कि यहाँ पे एक और फंक्शन होता है इज ऑल नम, इज ऑल नंबर है, जिसकी मदद से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक निर्वा, टेक निर्वा से याद आया कि अपन ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने का जो भी अपना प्रोग्राम है उसमें, तो इज ऑल नम, ठीक है, ये हो गया है, सेव करेंगे इसको, और सिंपली यहां पे क्या करेंगे, रन करके देखेंगे, तो ये क्या करेगा, ट्रू, यानी कि इसमें जो भी है उसमें स्ट्रिंग भी आ गई, और इसमें क्या आ गए, आपके सामने स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स भी आ गए, और आपके सामने नंबर्स भी आ गए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे आपके सामने लिस्ट की, लिस्ट क्या होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू गाइस।